फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम WH क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे। कल जो मैंने बनाया था वो WH पार्ट वन था, आज WH पार्ट टू है। कल की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने 10 वर्ड के बारे में बात किया था, आज जो वीडियो है उसके अंदर भी 10-12 सेंटेंस के बारे में, 10 वर्ड के बारे में सीखेंगे। तो पहला वर्ड आपका है हाउ मैनी, मतलब कितने। How many students are in class? क्लास में कितने students हैं? तो इसका आंसर हो सकता है There are many students in class. क्लास में बहुत सारे students हैं। अगला है How much milk in the can? कैन में कितना दूध है? तो इसका आंसर हो सकता है There is a little milk in the can. कैन में थोड़ा सा दूध है। अगला है How far? How far मतलब कितने दूर। How far is Mumbai from here? मुंबई यहाँ से कितनी दूर है? आंसर हो सकता है It's about 400 kilometers. It's about 400 kilometers away. अगला है How big? How big is Mumbai? मुंबई कितना बड़ा है? तो आप कह सकते हैं It's about 100 kilometer square foot. अगला है How well Do you speak English? आप कितना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं? How well do you speak English? How well का मतलब होता है कितना अच्छा। तो आंसर हो सकता है pretty well, not at all, कुछ भी कह सकते हैं। How deep is well? Well मतलब कुआं। How deep मतलब कितना ऊंडा, कितना गहरा। तो आप आंसर कर सकते हैं It's about 100 feet deep. अगला है How often? How often do you go to class in a week? How often do you go to class in a week? Week में आप कितनी मरतबा क्लास जाते हैं? तो इसका आंसर हो सकता है It's about 5 times in a week. अगला है With which मतलब किसके साथ? With which निर्जीव के लिए। With which bag did you send mobile? आप कौन से बैग के साथ आपने मोबाइल भेजा? तो इट्स अबाउट रेड वन, लाल बैग के साथ। आंसर यह है इट्स अबाउट रेड वन। अगला है बाय विच मतलब होता है किसके द्वारा। बाय विच निर्जीव के लिए, विच मतलब निर्जीव। बाय विच कुरियर डिड यू सेंड पार्सल, अपने पार्सल कौन से कुरियर द्वारा भेजा? तो इट्स अबाउट माउटी कुरियर। नेक्स्ट है व्हाट लाइक। व्हाट लाइक मतलब कैसा, कैसी। तो इसका आप क्वेश्चन बना सकते हैं व्हाट इज योर न्यू हाउस लाइक। व्हाट इज योर न्यू हाउस लाइक, व्हाट पहले रखना है, लाइक छेले रखना, लास्ट में रखना है। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं इट्स ब्यूटीफुल, इट्स क्लीन एंड ब्यूटीफुल। अगला है व्हाट फॉर, किसके लिए। व्हाट फॉर का मतलब होता है किसके लिए। व्हाट डिड यू बाय फॉर, आपने किसके लिए खरीदा। व्हाट डिड यू बाय फॉर, आपने किसके लिए खरीदा। इट्स फॉर my ब्रदर, मेरे भाई के लिए। तो दोस्तों आपने सीखा नए 10-12 सेंटेंस वर्ड, आप भी प्रैक्टिस करें अपने दोस्तों के साथ। अगर पता न चला हो, समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि कंप्लीट हो जाए। मेरे और वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसके लिंक आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए